डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फिफ्थ वीडियो है ये 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन का। जय माता दी। अकाउंटिंग इक्वेशन फिफ्थ लेक्चर, ठीक है बच्चों। हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई अकाउंटिंग इक्वेशन में, स्टार्टेड बिजनेस, गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट पर बेचा, ये सब। अब हम आपको एक टॉपिक बता रहे हैं, एक्यूरल बेसिस। क्या बता रहे हैं? एक्यूरल बेसिस। देखो, दो बेसिस होते हैं अकाउंट्स को बनाने के, एक कैश और एक एक्यूरल। एक्यूरल को कहते हैं ड्यू बेसिस। हर बिजनेसमैन एक्यूरल बेसिस फॉलो करता है। अगर खर्चा इस साल का है तो रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम कैपिटल, वी डिडक्ट All those expenses which belongs to same period, whether paid or not। चार चार बार बताऊंगा ये बात, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। From capital we deduct All those expenses which belongs to same period, whether paid or not। कैपिटल में से वो सारे खर्चे माइनस होंगे जो इस ईयर को बिलोंग करते हैं। फ्रॉम कैपिटल वी डिडक्ट ऑल दोज एक्सपेंसिस विच बिलोंग्स टू सेम पीरियड वेदर पेड और नॉट। हम कैपिटल में से वो सारे खर्चे माइनस करेंगे जो इस साल के हैं या जिस पीरियड का अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूं उस पीरियड के हैं। एग्जांपल लेते हैं, सिंपल, रेंट पेड कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। सर ये तो पुराना वाला ही बता दिया आपने। अब लो सर, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, हम कैपिटल में से वो सारे खर्चे माइनस करेंगे जो इस साल के हैं, चाहे पैसा जा रहा है चाहे पैसा नहीं जा रहा। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग खर्चा इसी साल का है लेकिन हमने पे नहीं किया। कैपिटल में से वो सारे खर्चे माइनस करेंगे जो इस साल के हैं, चाहे पे किया चाहे पे नहीं किया। बहुत बार बताऊंगा, बहुत बार पूछ सुन चुके हो, कोई बात नहीं। क्या ये खर्चा इस साल का है? है। कैपिटल में से माइनस होगा? होगा। हम ये नहीं देखते पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा, जाएगा, एक्यूरल बेसिस। इसीलिए अगर हम गुड्स बेचते हैं उधार तो उसका प्रॉफिट भी अभी का प्रॉफिट मानते हैं। हम देखते हैं खर्चा, हम एक साल का अकाउंट बनाते हैं। खर्चा इस साल का है, पेड अनपेड भाड़ में गया, माइनस करो। इस साल का नहीं है, मत करो। फ्रॉम कैपिटल वी डिडक्ट ऑल दोज एक्सपेंसेस विच बिलोंग्स टू सेम पीरियड वेदर पेड और नॉट। रेंट आउटस्टैंडिंग, क्या ये खर्चा इस साल का है? है। पे किया? नहीं। तो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। खर्चा अगर इस साल का है तो कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है जी, और पे नहीं किया तो लाइबिलिटी। लीजिए सर, आगे आइए। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, क्या ये खर्चा इस साल का है? नहीं। इसे कहते हैं अनएक्सपायर्ड रेंट। क्या कहते हैं इसे?
अनएक्सपायर्ड रेंट, क्या ये खर्चा इस साल का है? नहीं 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 भैया, क्या कैपिटल में से माइनस होगा? बिल्कुल भी नहीं। सर मान लो मैंने किसी को 2 महीने का किराया एडवांस दे दिया, एक तो कैश जा रहा है, ये चल रहा है मार्च, मार्च में मैंने अप्रैल और मई का दे दिया, तो मैं मार्च तक के खर्चे, अप्रैल टू मार्च है ना, अगले 2 महीने का जो एडवांस पे किया वो खर्चा इस साल का नहीं अगले साल का है, क्या कैपिटल में से माइनस होगा? नहीं। 2 महीने मैं उसका मकान बिना पैसे दिए इस्तेमाल करूंगा, एक फायदा एक सर्विस मैंने लेनी है तो मेरी असेट्स है। तो भैया एक बार दोबारा और देख लो, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, खर्चा इस साल का है लेकिन पे नहीं किया, क्या ये खर्चा इस साल का है? जी हाँ, कैपिटल में से वो सारे खर्चे माइनस होते हैं जो इस साल के हैं, और हमने पे नहीं किया तो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। क्या है हमारी? लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, और ये खर्चा हमारा इस साल का नहीं है तो हमने कैपिटल में से माइनस नहीं किया, अगर हमने किसी को एडवांस पे किया तो हमारी क्या है? असेट्स। क्या है हमारी? असेट्स। हाँ जी, ऐसे ही आता है इनकम, एक्रूड कमीशन। कमीशन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, जो बात खर्चों पर लागू होती है वही बात इनकम पर लागू होती है। क्या ये इनकम इस साल की है? जी हाँ। क्या ये इनकम इस साल की है? जी हाँ। क्या ये कैपिटल में जुड़ेगा? जी हाँ। पैसे तो मिले नहीं, ले लेंगे छोड़ेंगे थोड़ी, एक्रूड कमीशन। अब आता है एडवांस कमीशन। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड बिना कमाई हुई इनकम। आज मुझे एक बच्चा पूरे साल की फीस दे गया तो मेरे पास कैश आ रहा है, मान लो आज है मार्च, ठीक है, मार्च में अगले साल की फीस दे गया, एडवांस दे गया, ठीक, तो एडवांस मेरी लाइबिलिटी है, इनकम तो इस साल की है नहीं, या जिस टाइम का अकाउंट बना रहा हूं उस साल की है नहीं, मैं क्या कर रहा हूं? एडवांस रिसीव कर रहा हूं, महीना चल रहा है मार्च, मार्च में अप्रैल का पैसा आ गया, काम अगले साल करूंगा, पैसा अभी मिल रहा है, तो ये मेरी इस साल की इनकम नहीं है, कैपिटल में ऐड नहीं होगा, मेरी लाइबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी है। अब आ गया परचेज्ड स्टेशनरी। क्या आ गया बच्चों? परचेज्ड स्टेशनरी। मुझे पता है बच्चों स्टेशनरी परचेज में आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है, स्टेशनरी आ रही है, पैसे जा रहे हैं। बच्चों छोटे छोटे खर्चों को असेट्स मानना बेवकूफ़ी है। आपने 100 रुपये की स्टेशनरी खरीदी, साल के बाद आप पेन खोल खोल के हर एक का चेक करोगे कितना सिक्का इस्तेमाल हो गया कितना रह गया? नहीं। तो स्टेशनरी कैपिटल में से माइनस करके खर्चा बना देंगे, इसे समझदारी कहते हैं सर, मैटरनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं? मैटरनिटी। एक आएगा चैप्टर तब आपको समझाएंगे, बेटा ये खर्चा है, क्या असेट्स बना रहे हो इसको यार तुम? ये एक्सेप्शनल बात बता रहा हूँ मैं आपको, स्टेशनरी खरीदना असेट्स मत बनाओ, स्टेशनरी का कॉलम खोल दो, 100 रुपये की पेंसिलें खरीदी है, 4 रजिस्टर खरीदी है, थोड़ी थोड़ी बाद रजिस्टर खोल के चेक करते रहोगे कितना यूज़ कर दिया, अबे खर्चा मानो, झंझट खत्म करो। दिनेश सर ये आपके कहने पर ऐसा होता है? अरे भाई मैं कौन होता हूँ कहने वाला, हर टीचर इसको ऐसे ही करेगा, छोटी सी स्टेशनरी खरीदी हो, न्यूज़पेपर खरीदा हो, एक दिन बाद की तो रद्द भी हो जाती है वो, तो वो खर्चा मानते हैं, असेट्स मत मानो। अब तुम बोलो न्यूज़पेपर आ रहे हैं तो आप उसको असेट्स मान रहे हो, संभाल के रखोगे 200 साल, खर्चा मानो सीधा सीधा।
एक पॉइंट है, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स. क्या बच्चों? रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स. यार सब जिनको किराए का मकान दिया या लिया उनको मालूम है कि 2 महीने की सिक्योरिटी एडवांस देनी पड़ती है. मैंने एक मकान किराए पर दिया 10,000 रुपये महीना. वो आदमी मुझे 30,000 रुपये देकर गया, 20,000 सिक्योरिटी, 10,000 रेंट. जब वो मकान छोड़ के जाएगा ये सिक्योरिटी वापसी देनी पड़ेगी. मेरी इनकम नहीं है तो एक तो कैश आ रहा है और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरी लाइबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी है. हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं सर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर मजेदार पॉइंट है सर ये. स्कूल में बताएंगे भी नहीं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के बारे में. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस. बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा. बिजनेस का खर्चा कौन भुगतेगा? ओनर. ओनर कैपिटल में से माइनस. ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, बिजनेस विल पे द इंटरेस्ट. बिजनेस का खर्चा कौन भुगतेगा? ओनर. ओनर के लिए कैपिटल में से माइनस. अबे देना किसको है? ओनर को. क्या बात है, वाह भाई वाह. ये एक ऐसा खर्चा है जो कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही माइनस होता है. बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. अब लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये रहा बिजनेस, ये रहा ओनर. ड्रॉइंग्स करी, इंटरेस्ट कौन देगा? ओनर. देखो ओनर रो रहा है, इनकम नहीं है ओनर की इस बार, खर्चा है. बिजनेस की क्या है? इनकम. ओनर ने बिजनेस में से पैसे निकलवाए, ओनर पे करेगा इंटरेस्ट. दुकान के सारे फायदे कैपिटल में ऐड और कैपिटल में माइनस लेना भी तो ओनर सही है. तो ये हमारे पॉइंट्स हैं किसके? अकाउंटिंग इक्वेशन के. हाँ जी बच्चों, अब एक आपको पता है हमारा फॉर्मूला होता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एक क्वेश्चन देखो, कैपिटल 400,000 है, लाइबिलिटीज 100,000 है, असेट्स बताइए. अरे सर बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी. कैपिटल है 400,000, लाइबिलिटीज है 100,000, असेट्स आ गई 500,000. ये कोई क्वेश्चन है? जी हाँ यही क्वेश्चन है. नेटवर्थ है 700,000, असेट्स है 1,200,000, लाइबिलिटीज निकालो. ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों. असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. नेटवर्थ कहते हैं कैपिटल को, मेरी नेट औकात. असेट्स है 1,200,000, लाइबिलिटीज आ गई 500,000. ठीक है बच्चों, कैसा लगा? बढ़िया लगा, बढ़िया. ए स्टार्टेड ए क्लोथ बिजनेस ऑन 1/4/2019 विथ कैपिटल ऑफ 30,000. ए ने बिजनेस शुरू किया, कितने पैसे लगाए? 30,000. ठीक है जी.
ऑन 31 मार्च 2020 असेट्स वर 52,000 एंड लाइबिलिटीज वर 12,000. कैलकुलेट असेट्स, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट. ठीक है जी, मैं यहां का मिटाता हूं सर, इस पे करते हैं हम सर. गौर से देखना बच्चों, ए ने बिजनेस शुरू किया, साल के शुरू में कैपिटल लगाई 30,000. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. एंड को कहेंगे क्लोजिंग, एंड को कहेंगे क्लोजिंग. क्लोजिंग असेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग असेट्स है 52. अबे लाइबिलिटीज कितनी है सर? सॉरी, लाइबिलिटीज 10,000 है भाई. लाइबिलिटीज 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 42. ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, डिफरेंस होता है प्रॉफिट. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. बारह हजार आ गया प्रॉफिट. लीजिए सर, मैं आपको कराता हूं एक और क्वेश्चन. क्वेश्चन फोर्थ, ए स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 50,000 ऑन 31 मार्च हिज असेट्स वर 90,000 एंड लाइबिलिटीज 10,000. ए पार्ट, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट. बी पार्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इफ ए इंट्रोड्यूस 15,000 एंड विड्रू 10,000, व्हाट इज दी प्रॉफिट. मैंने दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन लिया आंसर. ए पार्ट, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 50,000. ठीक है जी, बात करते हैं एंड की. क्लोजिंग कैपिटल 90,000 असेट्स है, 10,000 लाइबिलिटीज है, तो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 80,000. शुरुआत में कैपिटल थी 50,000, एंड में कैपिटल है 80,000. ओए प्रॉफिट कमा लिया भाई. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 30,000. अब हम करते हैं बी पार्ट. बी पार्ट देखे एक बार. ओपनिंग है कितनी? 50. क्लोजिंग कितनी है? 80. एक बात सोचो, हमारा फॉर्मूला था प्रॉफिट का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग. आप और पैसा लगाओगे, इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी. ड्रॉइंग्स करोगे, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी. तो नया फॉर्मूला बन गया, क्लोजिंग कैपिटल 80, ओपनिंग 50, इंट्रोड्यूस कितना किया? 15. ड्रॉइंग्स कितनी करी? 10. ये कितना हो गया? 60. तो प्रॉफिट कितना आ गया? 20. सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये फुल फ्लैश फॉर्मूला बन गया. क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस्ड माइनस ड्रॉइंग, फॉर्मूला है प्रॉफिट का. ये देखो सर, जितने पैसे लगाएंगे कैपिटल बढ़ जाएगी, निकलवाएंगे कैपिटल कम हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं सर, और क्वेश्चन कराते हैं आपको.
हाँ जी सर, क्वेश्चन कैपिटल है 70,000, लाइबिलिटी है 25,000, रेवेन्यू 30,000, एक्सपेंस 28,000, असेट्स निकालनी है। बच्चों रेवेन्यू का मतलब होता है कमाया, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, तो एक और फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 2,000, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। लाइबिलिटीज कितनी है 25,000, कैपिटल कितनी है 70,000, प्रॉफिट कितना है 2,000, 25 प्लस 72 97, क्या आ गया बच्चों 97। चलिए सर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ सर। ऑन 31 मार्च एंड में असेट्स है 5,00,000 एंड लाइबिलिटीज हैं 1,00,000। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड 70,000 एंड विड्रू 20,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट का बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस्ड माइनस ड्रॉइंग। सर एंड में असेट्स कितनी है देखना, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 5,00,000, 1,00,000, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 4,00,000, 4,00,000 क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इंट्रोड्यूस 70, ड्रॉइंग्स 20, प्रॉफिट 1,00,000, 1,00,000 इज इक्वल टू 4,00,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस 50, 1,00,000 इज इक्वल टू 4,00,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस 50, 2,50,000। तो बच्चों एक लास्ट कंटेंट रह गया है हमारा, वो करा के हम इसको कंक्लूड करते हैं सर। ठीक है जी, इसको नोट कर लो सर, ये हमारा लास्ट कंटेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन का सर। गिव ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई एग्जांपल हो जिससे असेट्स बढ़ती है और कैपिटल भी बढ़ती है, बताओ ऐसा कोई एग्जांपल दो। सर तो बहुत इजी है, स्टार्टेड बिजनेस, कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई। सर इसमें एक और है कमीशन रिसीव्ड, बड़े सारे हैं कोई भी दे दो। ऐसा कोई एग्जांपल दो जिससे असेट्स कम होती है और कैपिटल भी कम होती है, बहुत सारे, रेंट पेड, सैलरी पेड, लॉस बाय फायर, खत्म सर। ऐसा कोई एग्जांपल दो असेट्स बढ़ती है और लाइबिलिटीज बढ़ती है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिससे असेट्स कम होती है लाइबिलिटीज भी कम होती है, पेड टू क्रेडिटर। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ असेट्स ही बढ़े असेट्स ही कम हो, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश।
ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिससे कैपिटल ही बढ़ती है, कैपिटल ही कम होती है। हाँ सर, ये हमने करा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिससे लाइबिलिटी बढ़ती है और कैपिटल कम होती है। रेंट आउटस्टैंडिंग। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिससे लाइबिलिटी कम होती है और कैपिटल बढ़ती है। ये अजीब सा है, आंसर सुनना। मान लो तुम और मैं पार्टनर है, तुम बैठे हो, जो भी बच्चा है, ठीक है जी। मैंने फर्म को लोन दे रखा है, वो लाइबिलिटी होता है। मैं अपने लोन को कैपिटल में शिफ्ट कर रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और कैपिटल बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये वाला। दोबारा बताते हैं, सर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, लोन लाइबिलिटी माना जाता है, लोन लाइबिलिटी माना जाता है। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, लोन क्या माना जाता है, लाइबिलिटी। वो बंदा अपने लोन को अपनी कैपिटल में शिफ्ट कर रहा है, तो लाइबिलिटी कम, कैपिटल ज्यादा। ना समझ आए मुझसे पूछ लेना सर। और एक गंदा पॉइंट लास्ट रह गया, फिर हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया। इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटी। सर अब प्रॉब्लम पता क्या है, अभी आप हो छोटे, आप इसमें घटिया एग्जांपल देते हो, लोन टेकन फ्रॉम वन पर्सन एंड लोन पुराना वाला चुकता कर दिया। ओ भाई ऐसा नहीं होता है, नया लिया पुराना चुकता किया, ये बकवास नहीं होती सर प्लीज। अब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो आपको 15 मिनट तक दिमाग ही खराब रहेगा। बीपी एक्सेप्टेड, क्या बोला मैंने, बीपी एक्सेप्टेड। अब होता क्या है, सुनो मेरी बात गौर से सुनना। एक होते हैं क्रेडिटर जिनसे मैंने उधार सामान खरीदा, क्या जिनसे मैंने उधार सामान खरीदा, वो मुझ पर बिल लिखते हैं। अगर वो मुझ पर बिल लिखेंगे, एक बीपी होता है सिस्टम, आगे चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तब जाके अच्छे से क्लियर होगा। तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं और बीपी बढ़ जाता है। बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी का मतलब है बिल्स पेबल। सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये एक कागज का टुकड़ा है, मैंने तुमसे पैसे लेने हैं, तुम मेरे डेटर हो। मैंने लिखा यू विल पे मी 10,000 रुपए, बिल बना दिया, तुमने साइन किए, मैंने बिल ड्रॉ किया, तुमने बिल एक्सेप्ट किया। जैसे ही तुम बिल पर साइन करोगे, मैं तुम्हारा नाम डेटर्स नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारा नाम रखूंगा बीआर, बिल्स रिसीवेबल। तुम मुझे क्रेडिटर कहते थे, जैसे ही तुमने बिल पर साइन किए, तुम मेरा नाम बदल के रख दो बिल्स पेएबल। सर ये परंपराएं होती हैं, अभी पूरा चैप्टर है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस पर बहुत ईजी है। मैं दोबारा बताता हूं, मैंने तुम्हें उधार सामान बेचा, तुम मेरे लिए डेटर, मैं तुम्हारे लिए क्रेडिटर। मैंने आप पर एक बिल बना के दिया, कागज का टुकड़ा, तुम साइन करोगे। जैसे हम बिल पर साइन करेंगे, मैं तुम्हारे को पहले क्रेडिटर बोलता था, अब मैं तुम्हें बोलूंगा बीपी, क्या बोलूंगा, बिल्स पेबल। तो जैसे ही तुमने बिल एक्सेप्ट किया, तुम्हारा नाम क्रेडिटर नहीं रहा, एक लाइबिलिटी कम हो गई, दूसरी लाइबिलिटी बीपी बढ़ गई, नाम बदल जाता है। ओके बच्चों, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हुआ। ऑल द बेस्ट बच्चों।